जो लोन सेटलमेंट कराते हैं, सेटलमेंट कराते समय एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उसका खामियाजा इतना ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, बैंक वाले तो बताते नहीं और जो एजेंट करवाते हैं आपको कि हम सेटल करा देंगे, सेटलमेंट कर लो, खासकर से क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन जिसमें सेटलमेंट स्कीम्स आती रहती हैं, उसमें व्यक्ति क्या करता है, कहां फंस जाता है, कौन सी बड़ी गलती कर रही है, किसके बारे में ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि जब हम सेटलमेंट के लिए बात करते हैं तो हमारा मान लीजिए आउटस्टैंडिंग था 2 लाख रुपए, हमने सेटलमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए था, सेटलमेंट के लिए बात हो गई 40,000-50,000 में, लगभग इतने पर हो जाती है आराम से और कम में भी हो जाती है कई जगह तो, जब जैसे मार्च आने वाला है तो मार्च में तो 10-12-15% पे भी सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन मान लो आपका 20% पे हुआ, 40,000 रुपए पे आपका सेटलमेंट तय हो गया। अब आपको 40,000 रुपए कैसे भरने चाहिए, आप इस 40,000 के ले लेते हो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट, बैंक देता है आराम से, बैंक खुशी खुशी देता है, आप भी खुश रहते हो, अच्छा बहुत बढ़िया हुआ मैंने इंस्टॉलमेंट मांगी, बैंक ने मुझे इंस्टॉलमेंट दे दी, एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट नहीं है, जाल है। इस ट्रैप में जैसे आप फंसोगे आप इससे निकल नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि यदि आपने 3 या 4 इंस्टॉलमेंट बनवा ली बैंक दे देगा, अगर आपकी एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई तो जो बैंक नहीं बताता आपको, जो बैंक के कर्मचारी नहीं बताते, आपका सेटलमेंट कैंसिल माना जाएगा और जितना पैसा आपने भरा होगा वो सारा पेनल्टी सरचार्ज इंटरेस्ट में काट लिया जाएगा और फिर आपको रीसेटलमेंट करने के लिए बोल दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर हमने सेटलमेंट के लिए बात करी, 4 इंस्टॉलमेंट की बात हो गई, मैंने 3 दे दी, एक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, आज वो सेटलमेंट से भी ज्यादा बड़ा अमाउंट खड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि वो जितनी 3 इंस्टॉलमेंट आपने भरी सेटलमेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि वो एग्रीमेंट सेटलमेंट का यही कहता है कि यदि आप पैसा दे रहे हैं तो आप ये सारा पैसा जमा कराएंगे, अगर आपका 1 रुपया भी रह गया तो ये माना जाएगा कि आप डिफॉल्टर हैं और जितना पैसा भी आपने सेटलमेंट के लिए दिया होगा वो सारा सरचार्ज पेनल्टी इंटरेस्ट में काट लिया जाएगा और बाकी जो पैसा बचा दोबारा सेटलमेंट के लिए बुलाया जाएगा और आपकी बार ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, जब भी ओटीएस स्कीम ले, इसको वन टाइम सेटलमेंट बोलते हैं ना, क्यों बोला जाता है इसको वन टाइम सेटलमेंट, भाई ओटीएस का क्या मतलब है, वन टाइम सेटलमेंट मतलब फुल एंड फाइनल पेमेंट करके सेटलमेंट कर देना। तो जब भी सेटलमेंट करें सबसे पहला काम क्या करें, कोशिश करें सेटलमेंट अमाउंट को एक साथ दें, उसकी ईएमआई ना बनवाएं, फिर भी अगर मजबूरी हो जाए ईएमआई बनवानी है तो ईएमआई को बाउंस ना होने दें और सेटलमेंट जब भी करें सेटलमेंट लेटर पहले ले लें, सेटलमेंट लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। कोई बैंक वाला ओरली बात कर रहा है, ओरल बात ना करें, कॉल आएगी भाई साहब आप सेटलमेंट करा लो, सेटलमेंट स्कीम चल रही है आपका बहुत कम में हो जाएगा, उसको बोलो कोई बात नहीं आप मुझे लेटर भेज दो क्या सेटलमेंट ऑफर आपकी तरफ से है, और कभी भी सेटलमेंट के लिए अपनी तरफ से ऑफर नहीं देना होता। यदि आप ये बोलते हो कि मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं तो बैंक ये माना जाता है कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसा है आप पैसा भरना नहीं चाहते, अब बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा और करेगा भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट मांगेगा। पहली बात तो बैंक कोशिश करेगा जितना आउटस्टैंडिंग सारा मिल जाए, मान लो 2 लाख है वो कहे जी चलो 10,000 रुपए कम कर देता हूं मैं आपका, क्योंकि आप ऑफर कर रहे हो, बैंक की तरफ से ऑफर आने दो, अपनी तरफ से ऑफर नहीं करनी। और जब सेटलमेंट स्कीम निकलती है बैंक की, पर्सनल लोन की, क्रेडिट कार्ड की, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जनरली वो 25-30% पर सेटल हो जाते हैं, यानी 70-75% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है बैंक की तरफ से ऑफर आने पर। अपनी तरफ से अगर आप ऑफर का इंतजार करेंगे, ऑफर देंगे इंतजार करेंगे तो ठीक है, अगर अपनी तरफ से ऑफर देंगे तो पूरी पूरी संभावना आपको पूरा अमाउंट भरना पड़ेगा या ज्यादा अमाउंट भरना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कम अमाउंट भरना पड़े या आप अपने हिसाब से सेटलमेंट करें तो बैंक को ऑफर आने दीजिए। जब बैंक की तरफ से ऑफर आएगा बैंक का व्यक्ति कॉल करेगा तब उससे सेटलमेंट लेटर मांगिए, और जैसे मैंने बता दिया सेटलमेंट वन टाइम है क्योंकि इसका नाम ओटीएस है, ओटीएस के फुल फॉर्म वन टाइम सेटलमेंट, तो वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं तो मतलब आप एज इट इज वन टाइम में पैसा देने को तैयार हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे 3 महीने लगने वाले हैं तो बेहतर ये रहेगा 3 महीने बाद सेटलमेंट किया जाए, पैसा लेकर के बैठोगे तो 10-20% और तोड़ लोगे, 10-20% और कम भरना पड़ेगा। यदि पैसा लेकर नहीं बैठोगे और इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो यकीन मानना आप कुचक्र में फंस जाओगे, आपको वो पैसा ज्यादा भरना पड़ेगा और जितना पैसा आपने इंस्टॉलमेंट के रूप में सेटलमेंट में भर दिया होगा वो सारा सरचार्ज पेनल्टी और इंटरेस्ट में काट लिया जाएगा। इससे बचने की जरूरत है, सेटलमेंट करते समय इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है।